गुड मॉर्निंग दोस्तों, इस वक्त मैं वेस्ट बंगाल और आसाम के बॉर्डर पर हूँ और सामने वहाँ पर जो आंटी जी हैं पता नहीं क्या ले रही हैं, क्या चुग रही हैं, पानी के अंदर से उसको घसीट के निकालती हैं। उसके बाद निकालने के बाद उसको सामने टंगी हुई एक हांडी सी टांग रखी है, उसके अंदर वो डाल लेती हैं। ये आसमी इस गमछा के साथ साथ झापी किधर गई? इसके साथ ही ये झापी है जो यहाँ का बहुत ज्यादा फेमस है। स्वागत थारे आंगने पधारा, माँ को मान बढ़ाया जी आकर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, इस वक्त मैं कामाख्या गुड़ी में हूँ यानी वेस्ट बंगाल में, और आज मैं आसाम और बंगाल के बॉर्डर पे पहुंच जाऊंगा। यहाँ हमारी शहजादी है जो बिल्कुल तैयार हो गई है, फिट एंड फाइन सारा सामान सेट कर दिया है, और यहाँ हमारा बैग है जिसको रात को चूहों ने कुतर दिया है। देखिए मेरा फेवरेट बैग हुआ करता था, कुछ नहीं किया जा सकता, यहाँ बहुत सारे चूहे थे उसकी वजह से इसका काम हो गया ख़राब। तब हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं अल्टरनेटिव, बट संभालना पड़ेगा। आज मुझे बोंगई गाँव जाना है, यहाँ से लगभग 101 किलोमीटर की दूरी पर है। तो वैसे भी निकल रहा हूँ यहाँ से, सुबह के 7:30 हो गए और यहाँ बहुत धूप आ जाती है। देखिए आप, सुबह 7 ऐसा लग रहा है जैसे कि सुबह दोपहर हो गई है। अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपको कॉल कर दूंगा कुछ भी होगा। ठीक है आंटी जी, नमस्ते, राम राम जी। अभी यही निकल जाऊँ सीधा ना बोंगई गाँव हाईवे से? हाँ ठीक है जी, ठीक है। गुड मॉर्निंग गाइज, ये कामाख्यागुड़ी का एरिया है और मेरा जो सफ़र है वो स्टार्ट हो गया है, और अभी सुबह के 7:35 हुए हैं, यानी कल से हम 25 पहले राइड स्टार्ट की है। तो 25 का लुप्त उठाना पड़ेगा, यानी 10 किलोमीटर के आसपास का एरिया हम जल्दी से कवर कर देते हैं। बट हाँ, यहाँ थोड़ा सा अभी स्टार्टिंग में रेलवे क्रॉसिंग आएगा, नॉर्मली थोड़ा एरिया आएगा, तो इसमें थोड़ा दिक्कत होगी, बस उसके बाद अच्छा हो जाएगा, हाईवे आ जाएगा। सुई है? नहीं, सुई धागा कहाँ मिलेगा? हाईवे पर। चूहों ने जो हमारा बैग है उसको कतर दिया था रात को, और इसी वजह से थोड़ा हमें असुविधा हुई, इसलिए हम सुई धागे की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बैग से कुछ सामान गिर ना जाए। हल्का फुल्का भी उसको अटका देंगे तो फिर ठीक रहेगा वो, इसलिए हम देख रहे हैं। बट यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोग नहीं रखते हैं, खासकर मैं कहूँगा कि इस एरिया में कहीं भी मुझे बड़ी से बड़ी मेडिकल शॉप पे भी ओडोमोस नहीं मिली, क्योंकि ओडोमोस मच्छर के लिए बहुत ज़रूरी, मुझे लगा कि एक रख लेनी चाहिए। तो कल शाम को ये कामाख्यागुड़ी मार्केट में मैं घूमने गया था। ओहो, सही टाइम पर हम क्रॉस हो गए। अरे बैग ये थोड़ा सा चूहों ने काट दिया रात को, तो उस पर एक धागा लगाना है। हैं क्या नहीं होगा? हल्का सा मारना है वैसे, एक जगह पर ही मारना है। देखो यहाँ पर एक छोटा सा मार दोगे तो मेरा सामान नहीं गिरेगा, मैं बहुत दूर जा रहा हूँ। मैं उसका नहीं होगा, अंदर से सिले है ना, बाहर से मार दो, नोर लटका दो उसको, से नहीं होगा। नहीं होगा तो उसको उल्टा कर दूँ तो फिर भी नहीं होगा? नहीं होगा। सुई और धागा है आपके पास? सुई और धागा तो है, तो वो दे दो मेरे को, फिर मैं खुद लगा लूँ हाथ से। अगर हो जाता तो बेहतर रहता, मैं कहाँ इसको लेके घूमूंगा। कलर ये वाला नीला कलर है तो दे दो, नीला है कैसा? नीला दे दो तो बेटर रहेगा, बाकी तो काला दे दो, नीला दे दो, कोई भी। हाँ ये दे दो, ये काला है, ये है। ये वाला दे दो, सुई डाल के दे दो इसमें थोड़ी सी। भैया जी इन्होंने हमारा जो बैग है उसको ठीक कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रात को क्या हुआ, जब हम सोए थे चूहों ने कुतर दिया उसको, उनके घर पे सो रहे थे, चूहे आए और बहुत दुख हुआ हमें। वाह एकदम ऐसा लगा नए जैसा ही कर दिया आपने इसको, शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा किया। ये धागा टूटता तो नहीं है ना? है? ये टूटेगा नहीं ना? नहीं टूटेगा, ये प्लास्टिक का है। अच्छा अच्छा, चलो जी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और हम हमारे सामान को अब डाल लेते हैं इसमें। घर है न ठिकाना। ये देखिए भाई लोग, हमारे बैग को जो हमारे अंकल जी उन्होंने एकदम नए जैसा कर दिया, लग ही नहीं रहा कि यहाँ से कहीं काटा वाटा है। पहले तो हमको नहीं होगा, अंदर अंदर ना। हाँ हो गया ना, कोई नहीं लेगा ना। फाइनली NH-27 हाईवे पर आ गए हम, और हमारा सफ़र फिर से शुरू हो गया है बोंगई गांव के लिए। यानी हम कुछ ही समय में अभी वेस्ट बंगाल को पार कर देंगे और
आसाम की धरती पर एंटर हो जाएंगे। आसाम भी हम पहली बार जा रहे हैं तो नया अनुभव, नया एक्सपीरियंस रहेगा हमारे लिए। और इस टूर पर एक खास चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं मॉर्निंग में टूर स्टार्ट करता हूँ तो सूरज देवता हमारे सामने होते हैं, लेकिन जब जब गर्मी बढ़ती है तो घूम कर हमारे पीछे आ जाते हैं, जिससे क्या होता है कि हमें धूप का थोड़ा कम सामना करना पड़ता है। धूप बहुत कम हो जाती है, ज़्यादा धूप रहती नहीं है। और बाकी जब हमने टूर किए थे तब नॉर्थ टू साउथ किए थे तो सूरज हमारे बिल्कुल सामने रहता था और शाम को हमारे राइट में आ जाता था। और इससे पहले हमने दिल्ली से जैसलमेर किया था, तब तो और ज़्यादा खतरनाक था, मतलब सूरज पूरे दिन हमारे आंखों के सामने रहता था और हमें बड़ी तकलीफ होती थी। पर अभी ऐसा नहीं है। ये बारहवीसा है, बारहवीसा आसाम का बॉर्डर कब तक लगेगा? तीन मिनट, 30 मतलब आधा घंटा, 30। अच्छा 30 मिनट। कितने किलोमीटर यहाँ से? 7 एक किलोमीटर, 1 किलोमीटर अवे, मतलब 1 किलोमीटर बाद ही है। तो फिर आधा घंटा कहाँ, 5 मिनट लगेंगे 1 किलोमीटर में तो। आप किधर से हो? मैं आसाम से हूँ। आसाम से हो क्या? ओके। जैन सर, ये कौन सा नदी है? नदी कौन सा, रिवर? अच्छा संकोच ब्रिज है। ओके। ये भूटान है क्या? पहाड़ दिख रहे? ये भूटान है। ये तो पहाड़ है। हाँ ये भूटान है। अच्छा ये भूटान है, मतलब जो पहाड़ दिखाई दे रहे हो भूटान है। तो ये बर्फ का पानी आ रहा है? बर्फ का पानी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, इस वक्त मैं वेस्ट बंगाल और आसाम के बॉर्डर पर हूं और आप जो ये नदी देख रहे हो मेरे इस तरफ, ये नदी है संकोच रिवर और ये जो ब्रिज है संकोच ब्रिज है। इस तरफ जो आप ये एरिया देख रहे हो और ये नदी भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आधी नदी वेस्ट बंगाल में है और कुछ हिस्सा इसका आसाम में आता है, मैंने अभी मैप में देखा है। तो इस नदी को पार करने के बाद लगभग 1 किलोमीटर बाद इस एरिया में आसाम स्टार्ट हो जाएगा, इस तरफ बंगाल है और सामने वहाँ पर जो आपको हल्के हल्के इसमें पहाड़ दिखाई दे रहे हैं वो भूटान है, जहाँ से नदी बहकर आ रही है। और ये गांव के आसपास का एरिया तो लोगों को बोल दिया जाता है कि जब भी नदी का पानी छोड़ा जाता है तो ये प्रॉपर, ये वहाँ से जो ब्रिज देख रहा है उससे लेकर वो पूरा इक्वल चलता है, बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है। तो ये एंट्री होगी हमारी आसाम में, यहाँ पीछे बॉर्डर था, लिखा हुआ था वेलकम। आज हवाएं बहुत तेज है, नेक्स्ट लेवल, मतलब कि और दिन मेरी स्पीड रहती है वो 22-23 किलोमीटर पर आवर रहती है, लेकिन आज 15 किलोमीटर है, यानी 5-7 किलोमीटर का डिफरेंस पड़ रहा है पूरा फोर्स लगाने के बाद। इस तरफ आप देख पा रहे होंगे भूटान के पहाड़ दिख रहे हैं, आई नो आप कैमरे में नहीं देख पाओगे क्योंकि इतना विजिबिलिटी नहीं है, इतना क्लैरिटी नहीं है। बाकी यहाँ पर नदियाँ बहुत सारी हैं, यानी बर्फीली नदियाँ जिसे कह सकते हैं आप। इन झंडों की हवाएँ देखो कितनी तेज़ बह रही हैं, इनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि बहुत तेज़ हवा है और पिछले 10 किलोमीटर से तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ चल रही है। हो सकता है कि पहाड़ों से जो आने वाली हवाएं हैं वो तेज़, और कहीं ना कहीं ठंड भी है हवाओं में। इसके साथ ही नदी का बहाव देखिए आप हमारे लेफ्ट साइड में, खूब सुंदर सुंदर नदियां हैं। अगर आप पहली बार यूट्यूब चैनल पर आए हो तो हम 5 देशों की साइकिल यात्रा कर रहे हैं, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर। तो बाकी आप सभी को पता ही है, देख लीजिए। सिंगापुर जाते क्या? हाँ हाँ क्या बाहर हो देख रहे सिंगापुर बाय रोड हाँ आप कहाँ से हो? कर्नाटका। अच्छा कर्नाटका से, तो आप लोग यहाँ पर कैसे? अच्छा अच्छा। सो भाई लोग, अभी इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर हमारा थोड़ा विश्राम चल रहा है, जस्ट अभी अभी हमारी शहजादी को यहाँ पर लगाया है और हमारा जो लंच बॉक्स है इसको पूरा हमने खाली कर दिया, काफ़ी टाइम बाद हमने जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको खाए हैं, पेट भर गया है, पानी पी लिया है। और रानी छती टेम्पल से हमें प्रसाद में एक मौसमी मिला था, वो भी अभी खाया, दादी का प्रसाद समझ लो एक तरीके से। तो बस अभी राइड फिर से स्टार्ट करेंगे, सुबह के 11:20 हो गए हैं और यहाँ से अप्रोक्स
50-55 किलोमीटर का सफ़र और बचा है, तो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आज हवा बहुत तेज़ और हमारे अपोजिट डायरेक्शन में है। अभी बेटर फील कर रहा हूँ। बाकी आंटी जी ने खाना पैक करके दिया था, तो वो कहीं आगे जाकर 2 बजे के आसपास खाएंगे। अभी आगे एक रायमोना करके नेशनल पार्क भी आएगा, तो उस नेशनल पार्क के आसपास में कहीं पर खाएंगे, अगर अच्छी जगह दिखी कोई लगी तो। और आज हम बोंगई गांव पहुंच जाएंगे, फिर तो बोंगई के बाद बरपेटा, बरपेटा के बाद हम सीधा गुवाहाटी में एंट्री हो जाएगी। एक और नदी आ गई है, इसका नाम तो नहीं पता क्या है, बट सो गाइज अभी मैं पता नहीं कहां पर, उस जगह का नाम नहीं पता, बट यहां पर अभी मेरा भूख लगाई है। मैं 15-20 मिनट से यहां पर खड़ा था और मेरा साइकिलिंग करने का आज कम मन कर रहा है, तो इसीलिए सोचा कि चलो थोड़ा देख लेता हूं। यहां बैठा हुआ नज़ारे लूट रहा था, सामने बहुत सुंदर एरिया। और एक चीज़ दिखाता हूं, सामने वहां पर जो आंटी जी हैं वो पता नहीं क्या ले रही हैं, क्या चुग रही हैं, पानी के अंदर से उसको घसीट के निकालती हैं, उसके बाद निकालने के बाद उसको सामने टंगी हुई एक हांडी सी टांग रखी है उसके अंदर वो डाल लेती हैं। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद वो मछली के बच्चे हैं छोटे छोटे, या कुछ ऐसा हो जैसे अभी वो घसीट रही हैं उनको पानी के अंदर से, और उसके बाद उसको निकाल कर उसको छानती हैं, पानी बाहर गिर जाता है उसके अंदर बचे हुए चीज़ों को डाल लेती हैं। तो मछली के अलावा तो और क्या ही हो सकता है। खैर जो भी है, मैं काफ़ी देर से नोटिस कर रहा हूँ, मैंने एक दो वीडियो भी बनाया उनका। तो अभी अभी मैंने भोजन भी कर लिया यहीं पर, और यहाँ पर सच में वो अंकल लोग मछलियाँ पकड़ने आ गए हैं। इन्होंने बीच में अपना जाल लगा दिया है, और एक और मछली पकड़ी गई। सो भाई लोग, बहुत बड़ा ब्रेक हो गया, यानी एक को पेट्रोल पंप पे ब्रेक हो गया था, दूसरा ब्रेक यहाँ हो गया है। अब हम सीधा वहीं जा कर रुकेंगे हमारी लोकेशन पर, जब तक हमें कुछ स्पेशल नहीं दिख जाता है। 39 किलोमीटर का डिस्टेंस हमें कवर करना है, तो वक्त है अभी, वक्त हुआ है 1:15, हमें 3:15 बजे तक पहुंचना है, तो 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। 39 किलोमीटर का डिस्टेंस अभी बचा है यहां से, 61-62 किलोमीटर हम कवर कर चुके हैं। तो गाइज यहाँ से भूटान अराउंड 37 किलोमीटर है, लेफ्ट साइड में बोंगई गांव जो मुझे जाना है वो 23 किलोमीटर, और गुवाहाटी 195 किलोमीटर है, यानी 23 किलोमीटर बाद मेरा आज का डेस्टिनेशन पूरा हो जाएगा। 102 किलोमीटर का सफ़र हम पूरा कर चुके होंगे। भूटान जाना तो यहाँ से लेफ्ट रोड होगी। वैसे तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था कि भूटान के पहाड़ वगैरह, यानी भूटान बॉर्डर पर मैं राइड कर रहा हूँ आज मॉर्निंग से ही। कल मैं नेपाल था, और उससे पहले मैं बांग्लादेश था। सो बड़ा खूबसूरत एरिया है, बहुत सारी नदियाँ हैं यहाँ पर आसाम में, और अभी मैं भूटान को पार कर आगे की तरफ निकल रहा हूँ। यहाँ से मैं जाऊँगा नागालैंड, मणिपुर, देन आई विल बी इन म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, आफ्टर दैट सिंगापुर। पासपोर्ट वीज़ा वगैरह? हाँ, पासपोर्ट वीज़ा वगैरह काम हो गया है सारा। सब हो गया? हाँ जी भैया। कितना दिन का लगभग? यहाँ से अराउंड 50 डेज और लगेंगे मुझे। पर यह आप ही जाना पड़ रहा है? जाना पड़ेगा। हाँ, गुवाहाटी भी आप ही है थोड़ा ना, मतलब ये ऊपर ही चढ़ता हुआ इधर, पहले तो प्लेन था तो जोर नहीं आ रहा था, थोड़ा जोर आने लग गया है, तो ये आप ही ऊपर चढ़ते जाना है? हाँ, अभी सीधा ऊपर आ, जितना जाइएगा ऊपर ही है ये। अच्छा अच्छा। हम ऑलमोस्ट बोंगई गांव से 15 किलोमीटर दूरी पर हैं। आज हमारा स्टे अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन बोंगई गांव शाखा की तरफ से हुआ है, यानी मारवाड़ी लोगों की तरफ से एक होटल बुक हो गया है, जो मारवाड़ी महिलाएं हैं उनकी तरफ से, तो वहीं आज हम स्टे करेंगे। और हमारे गोप्रो की थोड़ी सी बैटरी लो हो चुकी है, तो इसको हम थोड़ा सा आगे जाकर चार्ज में लगा देंगे, ताकि आपको बोंगई गांव के एंट्री दिखा सकें। गुवाहाटी 185 किलोमीटर। कल भी मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहता था, वो ये थी कि जो ये नॉर्थ ईस्टर्न एरिया आ गया, या मैं देख रहा हूँ वेस्ट बंगाल के आसपास के बाद, कि जो पुलिस है ना, वो आपको जब आप हाईवे से जा रहे हो और स्कूल की छुट्टी हुई है या बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो बहुत अच्छे से बच्चों को रोड क्रॉस करवाना, इसके साथ ही मतलब बहुत अच्छे से काम करती है। यहाँ पर गांव के अंदर भी आपको पुलिस जो हाईवे पर है वो चौराहे वगैरह पर ऐसे दिखाती है, सिग्नल दिखाती है कि आप इधर जाओ, ये रोको, ये जाओ, वो आपको नज़र आ जाएगा। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। मैं तो कुछ दिन पहले गया बाइक से, लाइक 5-6 दिन हो गया। कहाँ पर? साउथ इंडिया पूरा घूम के। अच्छा। बोंगई गांव
हाँ हाँ वहाँ पर मारवाड़ी लोग रहते हैं तो दे बिलोंग्स टू राजस्थान से वहाँ पर स्टे विद देम या अभी बोंगाईगांव से ही है अच्छा आप भी बोंगाईगांव से ओके नाइस टू मीट यू मतलब पूरा इंडिया का और हाँ मतलब ये अपना मैंने पहले कश्मीर टू कन्याकुमारी किया ऊपर नॉर्थ टू साउथ देन मैंने द्वारकाधीश टेम्पल टू सिंगापुर हाँ मतलब यहाँ से नागालैंड मणिपुर देन म्यांमार थाईलैंड मलेशिया और सिंगापुर या इट्स 5 डेज साइकिल टूर ऑलमोस्ट लास्ट ईयर को ये लद्दाख का था अच्छा ओके साउथ करके नाइस नाइस बहुत अच्छी बात है मुझे अपने आप में बहुत खुशी खाते हैं यूट्यूब पर हाँ हाँ यस सो गाइस ऑलमोस्ट बोंगई गाँव पहुँच गए हैं बस यहाँ से 2-4 किलोमीटर और रह गया है हाईवे से मैं टर्न हो गया हूँ अंदर की तरफ और ये सीधा हाईवे आगे की तरफ गुवाहाटी चला जाता है और जहाँ मैं टर्न हो रहा हूँ इस डायरेक्ट जो डायरेक्शन देख रहे हैं ये हमारे होटल की तरफ जाती है सो 1.4 किलोमीटर बाद हमारा होटल आ जाएगा ये बोंगई गांव का एरिया है देख लीजिए आप कुछ ऐसा सा मार्केट है यहाँ पर और इस एरिया में हमारे जो मारवाड़ी लोग हैं बहुत सारे रहते हैं मतलब यहाँ हर एक गांव है वहाँ पर आपको बहुत सारे मारवाड़ी घर मारवाड़ी लोगों के शॉप वगैरह सब मिल जाएंगे वाह ये शायद टाउन है कोई बड़ा ही मेरे राइट साइड में बहुत बड़ा मॉल भी है द यूनिवर्सल स्टूडियो हेलो इवनिंग मैम नमस्ते हाय मैम थैंक यू सो मच मैम थैंक यू सो मच बहुत जल्दी पहुंच गए नहीं हाँ हाँ मतलब वही इतना यात्रा करते हैं तो फिर तो जल्दी पहुंचते हैं हाँ अभी आदत हो गई है थोड़ा सा मतलब 100 किलोमीटर थोड़ा इजीली कवर हो जाता है जी साइकिल कहाँ खड़ी करूँ एक बार यहाँ रखिए फिर पता करते हैं हम लोग हाँ ये परफेक्ट है यहाँ हो जाएगा एक बार ऐसी रखी हुई है ठीक है थैंक यू सो मच मैम अलग अलग दिन अलग अलग रहता है जैसे मैंने 150 भी किया 180 भी किया कभी कभी और आज मेरा 102 किलोमीटर है कल मैंने 110 किलोमीटर किया था वो डेस्टिनेशन पे है कि कितनी दूरी पर स्टे वगैरह हो जाएगा कामाख्यागुड़ी मैम यस मैं सोच रहा था कहाँ से आ रहा हूँ कामाख्यागुड़ी से आ रहा हूँ हेलो मैम नमस्ते आप सभी को राधे राधे बैठे रहिए बहुत अच्छा लग रहा है बैठ जाइए आप कोई बात नहीं जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं जी हाँ मैं बात कर रही हूँ जेरी आशीष चौधरी जी की जो आज हमारे बीच उपस्थित है जोरदार एक बार तालियों के साथ इनका स्वागत करें यात्रा सफल हो यात्रा सफल हो यात्रा सफल हो तो दोस्तों इस वक्त मैं बोंगई गांव में हूँ अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन के साथ में ये आसमीज गमछा के साथ साथ झापी किधर गई इसके साथ ही ये झापी है जो यहाँ का बहुत ज्यादा फेमस है इससे धूप और बारिश दोनों में बचा जा सकता है तो मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूंगा जो हमारी मारवाड़ी महिलाएं हैं इसके साथ ही अभी वो आसमीज टच के साथ जो फील हुआ है तो से हाय मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा पूरा मारवाड़ी के साथ साथ आसाम का भी टच देखने को मिला बहुत बहुत आंगने पधारा स्वागत थारे थे आंगने पधारा मां को मान बड़ा थैंक यू सो मच सो इस वक्त हम सरोज जी के पास हैं हेलो मैम नमस्ते तो मैम ने अभी इनवाइट किया मुझे कि डिनर मेरे घर पे ही करना होटल का जो खाना वो अच्छा नहीं होता तो बिल्कुल सही बात है मैम आपकी कि होटल में इतना अच्छा नहीं मिलता जो घर पर बन सकता है खाना तो घर का होता है हाँ इसीलिए मैं अभी मैम के घर पर खाना खाने के लिए आया हूँ फिर तो घर का खाना अच्छा है जी बिल्कुल मैम
और आज हमारे खाने में देखिए इतना टेस्टी सा है जो हमेशा स्वादिष्ट होता है वही, तो मैं मारवाड़ी स्टाइल में बिल्कुल। और आज मैं मैम को थैंक यू कहना चाहूँगा कि आपने हमें इनवाइट किया, उसके लिए शुक्रिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैम ने अभी मुझे बताया कि इनके जो पोते हैं यहाँ पर, देखिए आप जब बच्चे थे वो इतने, हर एक साल एक फ़ोटो लगती है इस फ्रेम पर कि यहाँ से यहाँ आए, फिर ये वाला, फिर ये वाला, उसके बाद में ये वाला, बूढ़ी हो रही है, बच्चे जवान हो रहे हैं। सही बात है। उसके बाद ये देखिए आप, तो अभी हम भोजन करते हैं, रात के 9 बज गए हैं और खाना खाएंगे अभी।